जय हिंद बच्चों, मैं अमरेंद्र श्रीवास्तव आज बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आपको बुद्ध से संबंधित कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी के जंगलों में पैदा हुए। इनके पिता शाक्य कुल के प्रमुख थे शुद्धोधन। इनकी माता का नाम था महामाया। पालने वाली इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। इनकी शादी यशोधरा से होती है और एक प्यारा सा बालक राहुल पैदा होता है। बुद्ध जी 29 साल की अवस्था में घर को त्याग देते हैं, सत्य की खोज में निकलते हैं। पहले गुरु अलार कलाम के पास पहुँचे, फिर रुद्रक राम पुत्र के पास। अलार कलाम से इन्होंने दर्शन सीखा, रुद्रक राम पुत्र जी से इन्होंने ध्यान लगाना सीखा। उसके बाद वहाँ से बुद्ध जी चले गए बोधगया में। कठोर तपस्या के बाद 35 साल की उम्र में भगवान बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त होता है निरंजना नदी के तट पर, और जिसे अभी के समय फागु नदी कहते हैं। वहाँ से बुद्ध जी आते हैं सारनाथ में और अपना पहला उपदेश देते हैं। और बुद्ध जी सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध जी द्वारा दिया गया उपदेश आज अनेक देशों में प्रसारित है और अनेक देशों ने बौद्ध धर्म को दिल से लगाया है, अनेक लोगों ने स्वीकार किया है। और बुद्ध जी द्वारा बताया गया मध्यम मार्ग आज लाखों लोग उसी मार्ग पर चलते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आपको, आपके परिवार को, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बुद्धं शरणं गच्छामि। जय हिंद, जय भारत।